आज कल रात को जहाँ अपने हम रुके थे महक की मासी के घर, आज हम वहाँ से जा रहे हैं घूमने के लिए। और महक की मासी का घर एक बार फिर से मैं याद दिला दूँ, ये है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और आज हम जा रहे हैं धर्मशाला घूमने, ठीक है। कल जो हम ट्रैकिंग करके आए थे ऊपर से नीचे, आज फिर वापस वो ट्रैकिंग करके हम जा रहे हैं। रास्ता देख सकते हैं आप कैसा है, एकदम प्रॉपर इंटीरियर में है। गाड़ी हमारी कुछ क्या बोलते हैं, मेरे ख्याल से 10 मिनट टूर है, 10 से 15 मिनट टूर है। 15 मिनट की चढ़ाई उतरने के बाद, पहाड़ी उतरने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपनी गाड़ी तक। वो सामने वाली गाड़ी खड़ी है और वो बीवी जी जा रही हमारी, और हम अपने साथ जो वहाँ हमारी मासी जी का जो छोटा बेटा है उनको लेकर आए हैं, क्योंकि वो यहाँ के लोकल है, उनको ज़्यादा पता है यहाँ का। अब मेरे पति जी ऑफ रोडिंग करते हुए, हम कल आए थे वही रास्ते से फिर से जाना पड़ रहा है। और अब हम धर्मशाला की ओर जा रहे हैं, 10 की स्पीड से चल रहे हैं। सो 10 किलोमीटर का सफ़र हो गया है, और पानी की बोतल लाना अब याद आया कि हम भूल चुके हैं। सो सामने वाली दुकान से हम पानी की बोतल ले रहे हैं, रुके थे। और वो जो स्टार्टिंग का जो पैच था ना ऑफ रोडिंग वाला, बस वही ख़राब था, उसके बाद बहुत अच्छा रोड है धर्मशाला तक। बहुत आवाज़ इनकी देखो निकल रही है, बैटरी डाउन थी इनकी तो। अभी भी डाउन ही है। अभी हमें हिरण दिखा था और बोर्ड पे लिखा हुआ है हिरण से सावधान रहें और कितना स्लो चलाएं। धर्मशाला हम पहुंच चुके हैं और 3 घंटे लगे, सॉरी मेरे ख्याल से 2.5 घंटे लगे हमारे को ड्राइव करते करके आने में कांगड़ा से और धर्मशाला तक। और धर्मशाला में हम सबसे पहले कहाँ घूमेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये देखिए ठीक हमारे पीछे हम सबसे पहले आए हैं आज धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम। और पहले यहाँ पे बस मैचेस होते थे तभी आप आ सकते थे, मगर अब ये टूरिस्ट के लिए भी ओपन हो गया है, सो अब कोई भी यहाँ पे कभी भी आके विज़िट कर सकता है। सो चलिए अंदर चलते हैं। सो टिकट लग रही है यहाँ पे, ये टिकट काउंटर है, 30 रुपीज़ की टिकट है, ज़्यादा महंगी नहीं हो गए, सही है। सो ये टिकट मिली है हमारे को, 30 रुपीज़ की है। सो वो पीछे सिक्योरिटी चेक था। हाँ, आने से पहले बीवी जी कुछ कह रही थी मेरे को, ये कह रही थी क्या होता है क्रिकेट स्टेडियम में, क्या होता है। तो आज इनको दिखाते हैं कि क्रिकेट स्टेडियम में क्या होता है। स्टेडियम के अंदर घुसे नहीं है, मगर फिर भी आप व्यू देख सकते हैं कि बाहर का कितना अच्छा व्यू बना रखा है। और सबसे बढ़िया बात मेरे को ये लगी कि जो इस स्टेडियम का आर्किटेक्ट हुआ है वो एकदम ही तिब्बतन स्टाइल में हो रखा है। देख सकते हैं सामने नेट्स है, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन। ऊपर आपको फ्लड लाइट्स दिख रही होंगी, ये स्टैंड्स हैं, यहाँ से स्टेडियम की एंट्री है। सो स्टेडियम के अंदर आके बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा व्यू है। पीछे उस सामने आप देख सकते हैं स्कोर बोर्ड है, स्कोर बोर्ड काफ़ी दूर है वैसे, स्कोर दिख नहीं रहा, वरना जो ये गर्ल्स का मैच चल रहा है आपको बताता मैं कि क्या स्कोर हो रहा है। अभी जी इनका वैसे मन नहीं था आने का, अब कैसा लग रहा है?
कुछ दो शब्द सामने व्यू अच्छा लगता है। हाँ सामने वो देख सकते हैं, वो जो ऊपर जो पहाड़ आ रहे हैं ना स्टेडियम के पीछे, यही स्टेडियम की सबसे बढ़िया खास बात है, सबसे सुंदर व्यू लग रहा है। सो हमारी किस्मत अच्छी है कि हम इधर आए हैं और पीछे मैच चल रहा है, तो बोर नहीं हो रहे बिल्कुल भी। 10-20 मिनट हो गए हैं और मैच देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। गर्ल्स का जो मैच हो रहा है ये मेरे ख्याल से इंटर स्टेट लेवल जो मैच होते हैं स्टेट के अंदर वाले, वो वाला मैच हो रहा है मेरे ख्याल से, सूत्रों से पता लगा है। और ये स्टैंड्स में आके बैठ गए हैं अब हम, और क्रिकेट का आनंद उठाते हुए मैच देखने में मज़ा आ रहा है। तो मैच देखते देखते हमारे को एक इंफॉर्मेशन पता लगी है कि वो जो सामने वाले जो पहाड़ है वो मैकलोडगंज के पहाड़ हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है उन पहाड़ों को देखकर। और मैच से बोर जाओ तो पहाड़ देख लो, पहाड़ से बोर जाओ तो मैच देख लो। यहाँ पर डाकू पड़ गए मेरे चश्मे पे और ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने चश्मे के ऊपर, मेरा चश्मा लगा के। डाकू कहीं का, डाकू शमशेर से, चश्मे पे चश्मा। स्टेडियम हमने देख लिया, अब हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन में जा रहे हैं। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारी स्काई वॉक, सॉरी वो रोप वे। सो इनको भी नहीं पता कौन सी डेस्टिनेशन पे जाना है, इज सो कंफ्यूज्ड। कैसा लगा आपका स्टेडियम? बहुत अच्छा लगा बेटे। कैसा बना हुआ है? बढ़िया बढ़िया बना हुआ है, बहुत मजा आ गया ना। मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा। मैच होगा तो आओगे इधर? बिल्कुल आएंगे। आएंगे ना। तुम्हें कैसा लगा अभी स्टेडियम? अच्छा, बढ़िया। सो अब हमने स्टेडियम देख लिया है, स्टेडियम में बहुत मजा आया, और जो स्टेडियम के सामने व्यू आ रहा था वो तो बहुत मजेदार था। अब हम जा रहे हैं रोपवे में, और वहाँ जाके आपको देखना पड़ेगा। मैं पूछ रही थी एलर्जी कहाँ से आ गई आपके अंदर? मेरे अंदर? हाँ, पानी पी के रोप वे के लिए आ गए हैं हम। यहाँ पे एक चीज़ अच्छी लग रही है मेरे को कि प्रॉपर यहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग बना रखे हैं, यहाँ पार्क करेंगे पहले हम और फिर उसके बाद आगे आपको दिखाते हैं। हम धर्मशाला स्काई वे में पहुँच चुके हैं और टिकट्स हमने ले ली हैं, तो चलते हैं। तो ऊपर हम स्टेयर से जा रहे हैं, व्यू देखिए कितना अच्छा आ रहा है यहाँ से। कैसे लग रहा है व्यू देख के? बहुत अच्छा लग रहा है, व्यू तो बहुत अच्छा है। और मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है ऊंचाई से। अब देखो क्या होता है। इधर बैठ जाओ, मिल रहा है ये तो बहुत ज़्यादा। और ये बैठ चुके हैं ये, और ये हम टिकट संभाल के। ये गेट हुआ बंद, अब मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि ऊंचाई पे जाएगा यार, अब तो उठ भी नहीं सकते हम। अब हम ऊंचाई तय करते हुए बहुत ही ऊपर आ चुके हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है नीचे देख के। और नीचे देखो कितना अच्छा लग रहा है, सबसे ज्यादा डर लगता है ऊंचाई से, कितने ही ऊपर आ चुके हैं। तो बर्फ ही सामने नजर आ रहा है और हमें सामने से बर्फ भी दिखाई दे रही है, बर्फ का पहाड़। और सारे छोटे छोटे लोग लग रहे हैं, सब छोटे से लग रहे हैं। लास्ट में जाएगा ऊपर पहाड़ी में। हाँ जी, वो जा रहा है उधर। वहाँ हम रुकेंगे, रुक सकते हैं? हाँ हाँ रुकेंगे वहाँ पे, चाहे शाम तक रुको वहाँ। ये देखो कितनी ऊपर आ चुके हैं। जतिन मजा आ रहा है बहुत ज्यादा, मस्ट ट्राई है। धर्मशाला हो तो स्काई वे में, रोप वे में, जो भी बोलते हैं इसको, आप जरूर आओ इधर। बहुत ही अच्छा, बहुत सही है यार, ये तो बहुत ही मजा आ रहा है। तो इनका फोटो शूट होता हुआ, ये हमारे फोटोग्राफर प्रोफेशनल वाले। ये दूसरी ट्रॉली आ रही है ऊपर से नीचे और हम ऊपर जाते हुए कितना आराम से जा रहे हैं। वर्थ इट है, वर्थ इट एकदम। इंद्र बैठने गए थे,
पापा का फोटो शूट हो रहा है। देखो नीचे देखो फोटो कैमरा खींचो आगे। महक जी आपकी तबीयत खराब हो, बैटरी डाउन थी, अब कैसी है बैटरी? अच्छा लग रहा है। मेरे पीछे जो स्टेशन दिख रहा है आपको, वो स्टेशन पे हम रुकेंगे, फोटोज क्लिक करवाएंगे और जब मन है हम वापस ट्रॉली में बैठ के वापस अपने स्टेशन में जा सकते हैं। पापा डर तो नहीं लग रहा? नहीं बेटा डर तो रहे हो? डर नहीं रहा, मैं देख के ना नीचे देखे तो ऐसे बंद है ना। हाँ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर। आपकी शक्ल तो डर सी लग रही है, डर रहे हो? नहीं डर रहा बेटा। और ये अब हमारा स्टेशन आ गया। ओ ये थोड़ा सा फास्ट हो गया था यहाँ पे। हम धर्मशाला स्टेशन से चले थे और ये मैक्लोडगंज स्टेशन पे उतरे हैं और 10 मिनट की राइड थी। स्टेशन का जो आउटर है, जो एग्जिट है मैक्लोडगंज का, पूरा तिब्बतन स्टाइल में आप देख सकते हैं हमारे पीछे, पूरा ये तिब्बतन स्टाइल में बना हुआ है। अब स्टेशन से बाहर निकलते ही मार्केट है, मार्केट आप देख सकते हैं, सारी रीजनल और कल्चरल चीज़ें मिल रही है इस मार्केट में। फ्लैग्स हैं, बेल्स हैं और इसका साउंड निकलता है, पता है? दिखाओ सर ये क्या है? सर ये मेडिटेशन, मेडिटेशन के लिए। ओ ये तो बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है। दलाई लामा टेम्पल जाते हुए मार्केट से थ्रू मार्केट और मार्केट देख रहे हैं, मार्केट भी बहुत अच्छी लग रही है। अब हम दलाई लामा टेम्पल पहुंच चुके हैं, अब एंट्री करने लगे हैं। वो आपको सामने जो दिख रहा है ये दलाई लामा टेम्पल है, बाहर से तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। और अभी हमने सिर्फ एंट्री ही करी है और बहुत अच्छे साउंड आ रहे हैं, बहुत पीसफुल लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ मंदिर में अंदर आने के लिए आपको सिक्योरिटी चेक कराना पड़ेगा और आपको सामान भी एक्सरे मशीन में डालना पड़ेगा अच्छे से। काफ़ी टाइट चेकिंग है यहाँ लाई लामा टेम्पल में। दलाई लामा टेम्पल हमने देख लिया अच्छे से, बहुत अच्छा लगा, बहुत पीसफुल था और बहुत मज़ा भी आया। वो भी मैंने पहली बार देखा है, बहुत अच्छा था। तिब्बतन मंदिर वीक तिब्बतन मोमोज पॉज सर अमल हम टाइप कर देना, आपने एक कमेंट कर देना और लाइक कर देना सर इंस्टाग्राम में। मोमोज का साइज देखिए आप, इतना बड़ा मोमोज है, इतना बड़ा मोमोज मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। मेरे को लग रहा है आधा आधा सारे खा पाएंगे। ट्राई करूँ बताओ कैसे खाते? कैसे से? खाओ ना, लगा ना खा लूँगा। तोड़ के खाते क्या?
तोड़ के खा लो अभी। हाँ खा लो फल, जितनी खिला दो पहले, जितनी खा लो हम खा लेंगे। अच्छा है, अभी पकड़ो पापा, हम दोनों ये खा लो, हम दोनों ये खा लेंगे। इतने बड़े मोमोज पहली बार खा रहा हूँ, ये लो वहाँ। लाफिंग येलो जॉय उठा लो सारे, एक एक स्टिक और लेके आ देना, एक स्टिक, एक स्टिक देना सर, पकड़ो। बहुत टेस्टी है, सो अभी हम बक्शुनाथ वाटरफॉल जा रहे हैं टैक्सी करके, क्योंकि यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर दूर था जहाँ से हम रोक के आसपास और दलाई लामा टेम्पल के आसपास से, तो हमने सोचा टैक्सी कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा आना जाना। सो पहाड़ी चढ़ते हुए बक्शुनाथ वाटरफॉल की, बहुत ज़्यादा पहाड़ी है, बहुत ज़्यादा पहाड़ी है, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, कम से कम आधे घंटे की खड़ी चढ़ाई। और कितना तो आधा रास्ता कवर हो चुका है, व्यू देख सकते हैं आप कितना पीछे है, सांस तो फूल रही है, लेकिन जो ये व्यू है ना, ये मोटिवेट कर रहा है कि और ऊपर जाओ वाटरफॉल तक। बीवी जी बैठ गई वहाँ पे, और पापा को भी सलाम है जो इस उम्र में यहाँ तक आ गए। जैसे तैसे आधे घंटे की चढ़ाई चढ़ने के बाद आप जो शोर सुन रहे हैं वो मैं दिखाता हूँ क्या है। बहुत ही बर्फ वाला पानी है, बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत खुशी मिल रही है कि आधा घंटे की मेहनत सफल हुई, और देख सकते हैं। पानी में गए थे शूट करने के लिए, पैर सुन हो गए, पानी बहुत ठंडा है, लगा था
मेरे को ऐसा लगा था कि गर्मी में जैसे हम चलते हुए आए हैं, पसीना काफ़ी आ रहा था, गर्मी लगी हुई, तो लग रहा था कि पानी में जाएंगे तो अच्छा लगेगा, मगर पानी इतना ठंडा है कि एक सेकंड के लिए पैर रखा और पैर जम गए, फ्रीज हो रहे हैं, मतलब जम गए हैं एकदम, पानी बहुत ठंडा है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है, व्यू बहुत अच्छा है। अगर यहाँ पे ना आते तो ऐसा लगता है कि मतलब काफ़ी कुछ मिस हो गया। वर्थ इट है यहाँ पे आना? वर्थ इट है। तो वाटरफॉल के यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा, मगर फिर भी जाना पड़ेगा, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा यहाँ से जाने का, लेकिन हमारी जो लास्ट ट्रॉली है वो 5:30 बजे की है और टाइम अभी काफ़ी मेरे ख्याल से 4:20 हो गए हैं, तो हमारे पास काफ़ी कम टाइम है, चढ़ाई भी उतरनी है 20 से 25 मिनट की, तो भागते भागते ही जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं यहाँ से, लेकिन दिल बिल्कुल नहीं कर रहा, बहुत अच्छा वाटरफॉल लगा, यहाँ आना वर्थ इट है। आपको कैसा लगा, वर्थ इट लगा कि नहीं? वर्थ इट है ना। हमने वाटरफॉल देख लिया है, उसके बाद हम कैब में बैठे हैं अभी, देन उसके बाद हम जा रहे हैं अब स्काईवे पे, और स्काईवे का लास्ट टाइम है 5:30 का, बट 5:30 बजने वाले हैं, अब डर लग रहा है पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, देखते हैं वीडियो पे। फाइनली टाइम पर पहुंच गए हम अपने रोपवे पे, थैंक गॉड पहुंच गए, नहीं तो मिस हो जाता। इधर बैठो, जतिन इधर तो ना आएगा नहीं ना, जतिन इधर आ जाओ। अब यहाँ आ जाओ। डोर क्लोज हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं वापस घर की ओर, और वापस जा रहे हैं हम धर्मशाला, और वहाँ से अपनी कार पिक करेंगे, फिर हम घर जाएंगे कांगड़ा मासी के घर जहाँ हम रुके हुए हैं, और ये थोड़ी सी स्पीड में चलेगा क्योंकि अब ये नीचे की ओर जा रहे हैं। दिखा दो इसके, इधर दिखाओ, स्टेशन हम पहुंच चुके हैं हम स्टेशन पे, और 10 मिनट की राइड थी, मज़ा आया बहुत ज़्यादा, धर्मशाला पहुंच चुके हैं। सो धर्मशाला और मैक्लोडगंज का ट्रिप हुआ हमारा पूरा, बीवी जी बहुत थकी हुई है इसलिए वो गाड़ी में ही बैठी हैं, बेचारी बहुत थक गई है, इन्होंने आज काफ़ी हिम्मत दिखाई, मेरे को उम्मीद नहीं थी इतना चल पाएंगे, लेकिन काफ़ी चली, काफ़ी पहाड़ियाँ भी चढ़ी हैं ये, और बहुत अच्छा लगा, धर्मशाला भी अच्छा लगा, मैक्लोडगंज भी अच्छा लगा, और मज़ा आया। और अगर आप लोग भी आ रहे हैं तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि गाड़ी से आ रहे हैं तो धर्मशाला तक गाड़ी में आए, उसका कि रोप वे ज़रूर ट्राई करें, रोप वे में बहुत मज़ा आता है। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाय।